किशनी के जेएस गार्डन में भाजपा की बैठक में इटावा की विधायक सरिता भदौरिया ने सपा पर जोरदार हमला बोला। भाजपा प्रत्याशी ने बड़ी जीत का दावा किया। किशनी के जेएस गार्डन में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को संबोधित करते हुए इटावा सदर विधायक सरिता भदौरिया ने सपा पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से हाथ मिलाने वाले सपा प्रमुख व उनका परिवार आज गलियों की खाक छान रहे हैं। इस बार उपचुनाव में सपाइयों की गुंडई नहीं चलने दी जाएगी। इस बार पहली बार जनता को लगेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से मतदान हो रहा है, नहीं तो वोटों की लूट की जाती थी। अब सेफई के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का समय आ गया है। जसवंत नगर विधायक ने अपनी सीट बचाने के लिए भतीजे से समझौता कर लिया। शिवपाल यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधायक होने के बावजूद उन्हें भारी भरकम सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब वो सामान्य विधायक की तरह रहेंगे। चाचा भतीजे चुनाव में एक होकर जनता को धोखा देते हैं, जिसे अब जनता जान चुकी है। भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर सेफई के रावण का बंद होना चाहिए, और इसलिए मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कह रही हूँ, बहुत ही सोच विचार करके सारे लोगों को इकट्ठा करके और इस बात की चर्चा करना कि अगर अब नहीं तो कभी नहीं। हम अगर चूक गए तो बरसों पीछे चले जाएंगे, इसलिए अब चूकने का अवसर नहीं है, अब जवाब देने का अवसर है, और हम जवाब देकर रहेंगे। 5 तारीख को कमल की बटन दबाएंगे, जनपान नहीं करेंगे, सारे रिश्तेदारों को हमको बुलाना है, तमाम आगे पीछे के बदले लेने, तमाम आगे पीछे का व्यवहार रखना।